नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वाला आतंकी यासर भट्ट नाबालिग निकला। उसकी उम्र 16 साल से भी कम है। इसी महीने की 12 तारीख को वो 16 साल का हो जाएगा। यासर अपने तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और उसके पिता पेंटर हैं। यासर बस स्टैंड पर ग्रेनेड फेंकने के बाद भागते समय पकड़ा गया था। अधिकारियों ने बताया कि यासर के आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड समेत पहचान से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स में उसकी जन्म तिथि 12 मार्च 2003 बताई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यासर से पूछताछ की, जिसमें यासर ने कई खुलासे किए। उसने पुलिस को बताया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। उसने ही हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट के कहने पर बस पर ग्रेनेड फेंका था। इसके लिए उसे फारूक ने ग्रेनेड और 50,000 रुपए दिए थे। इससे ये संकेत मिलता है कि आतंकी ने जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच खौफ पैदा करने के लिए फिर नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू के कुलगाम का रहने वाला है। उसने साल 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था। वो ए ग्रेड का आतंकी है और बस स्टैंड पर हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी तलाश थी। फारूक अहमद भट्ट की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अत्याधुनिक राइफल पकड़े हुए हिजबुल आतंकियों के साथ काले रंग का फिरन पहने खड़ा है। वहीं जांचकर्ताओं के अनुसार कुलगाम जिले के स्वघोषित हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख फैयाज ने जम्मू में भीड़भाड़ वाली जगह पर ग्रेनेड फेंकने का काम हिजबुल के मुजम्मिल को दिया था। हालांकि मुजम्मिल ने इससे इनकार कर दिया। उसने ग्रेनेड फेंकने का काम छोटू, जो कि सांकेतिक नाम है, को देने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि 7 मार्च को जम्मू के बस स्टैंड पर हुए ग्रेनेड हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बता दें कि बीते 10 महीनों में जम्मू के इस बस स्टैंड पर ये तीसरा हमला हुआ है। इससे पहले दिसंबर 2018 में यहाँ ब्लास्ट हुआ था, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचा था। वहीं 24 मई 2018 को हुए ब्लास्ट में यहाँ 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।